हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपी सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे आलू का चटपटा सा नाश्ता। जब भी घर में कोई अचानक मेहमान आ जाए या बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाना हो या चाय के साथ कुछ बनाना हो तो झटपट इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर चार आलू लिए हैं जिनका मैंने छिलका उतार लिया है और पानी से अच्छी तरह से साफ कर लिया है। वजन में ये 250 ग्राम के आसपास है। अब इन्हें हम कद्दूकस करेंगे। सारे आलू कद्दूकस करने के बाद इसमें हम तुरंत पानी डाल देंगे जिससे आलू काले नहीं पड़ेंगे। और अब इन आलूओं को हमें दो तीन पानी से अच्छी तरह से हम इसे धो लेंगे। बिल्कुल भी इसमें कोई स्टार्च नहीं रहना चाहिए। अभी मैंने पानी डाला तो देख रहे हैं आप, पानी बिल्कुल क्लीन है, तो ऐसा ही रहना चाहिए। अब अंत में इसे हम कपड़े में छान कर जो आलू का पानी है सारा निचोड़ देंगे ट्विस्ट करके। बिल्कुल भी पानी इसमें ना रहे। अब इसे एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और इसमें हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर यानी अरारोट का आटा, चिली फ्लेक्स 1.5 छोटा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार डालें, प्याज थोड़ा बारीक कटा हुआ डालेंगे और मैं इसमें हरा प्याज भी डाल रही हूँ बारीक काटकर, बहुत टेस्टी होता है इससे। लेकिन ये ऑप्शनल है, आपके पास नॉर्मल प्याज है तो उसी को ऐड कर सकते हैं। सिर्फ इन्हें अच्छी तरह से मिलाएं और जब ये अच्छी तरह से मिल जाएगा तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और नरम हो जाएगा आलू। और ये देखिए मिल गया है तो दिखने में कम दिखाई दे रहा है। अब इसको हम 2-3 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे जिससे थोड़ा सा मिक्सचर स्टिफ हो जाता है तो टिक्की बहुत आसानी से बनती है। तो इसकी टिक्की बना लें आप अपने मन चाहे आकार में। अब एक पैन गरम करें, उसमें 4 से 5 बड़े चम्मच तेल डालें, अच्छी तरह से तेल गरम होने दें, फिर इन टिक्कियों को हम इसमें शैलो फ्राई करेंगे। टिक्कियां डालते समय तेल अच्छी तरह से गरम होना चाहिए हाई फ्लेम पर और टिक्कियां डालने के बाद गैस को मीडियम फ्लेम पर कर दें और इसको दोनों तरफ उलट पलट कर ब्राउन होने तक फ्राई करें। ये देखिए हमारी टिक्कियों का कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी फ्राई कर लेंगे और ये टिक्की ऊपर से क्रिस्प हो चुकी है और दूसरे साइड भी ये अच्छी तरह से पक चुकी है और कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। अब इसे तुरंत तेल से बाहर निकालें और इसे किचन टॉवल पे रखेंगे जिससे इसका एस्टर ऑयल निकल जाएगा। और ये देखिए हमारी मज़ेदार क्रिस्पी कच्चे आलू का नाश्ता तैयार हो गया है। इसे एगलेस हैश ब्राउन भी कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।